Coming back to 1963-64, I'm talking about South Korea. The President General Park came on the TV, chota sa TV, black and white pe. Usne kaha, from today onward, we will be spending 23% of GDP on our HRD. Human resource development pe hum 23% kharch karenge. Ye 63-64 mein announcement ki General Park ne. Aur humara third five-year plan utha ke implement bhi kiya. Ayub Khan se mutasir tha wo. अयूब खान ने फाइव ईयर प्लान तो बनाए लेकिन एजुकेशन पे इन्वेस्ट नहीं किया, एचआर पे इन्वेस्ट नहीं किया, वडेरों पे इन्वेस्ट किया और 22 खानदानों पे इन्वेस्ट किया, जिससे इर्तकाज़ हज़ार चंद हाथों में रह गया। उस ज़माने में 22 खानदान थे जिनका भुट्टो ने जोर तोड़ते तोड़ते 22,000 खानदान बना दिए हैं अभी, और उन 22,000 या 20,000 खानदानों के अलावा कंसनट्रेशन ऑफ मनी आम लोगों के पास नहीं है। और हमारी माल न्यूट्रिशन और पर कैपिटा इनकम में जो स्क्यूड बिहेवियर है, या आपकी जो लिटरेसी के साथ साथ पॉवर्टी एलिवेशन होने के बजाय बढ़ रही है, उसके पीछे अनएक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है। उसके पीछे ये नहीं है कि अदालतें नहीं देती या हुकूमत के पास सिस्टम नहीं, उसके पीछे है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलप नहीं किया जाता। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज़ नॉट ओनली गेटिंग डिग्री फ्रॉम बी और एम ए और पंजाब यूनिवर्सिटी, ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की एक डायमेंशन है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की दूसरी डायमेंशन है ऑफिस में वर्कर्स की कैपेसिटी, नॉलेज वर्कर की कैपेसिटी टू डिलीवर इन ए प्रोफेशनल वे। इसकी छोटी सी मिसाल लाइक आई कैन गिव यू, लास्ट इलेक्शन जो 2012 में हुआ था और बाकायदा इन्वेस्टिगेशन हुई, कमीशन बना, और आप सब ने अखबारों में पढ़ा होगा कि 2,500 वोटों का हिसाब ही नहीं मिल रहा था, अंगूठों की मैच नहीं करती थी सियाई, ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में पाकिस्तान की। तो हमारी इलेक्शन कमीशन जो 90 साल या 100 साल से फंक्शनल है, वो टेक्नोलॉजी के साथ हम आहंग नहीं कर सकता। उसकी इंटरनल कैपेसिटी का ये हालत है कि वो 2,500 वोटों का हिसाब ही नहीं मिलता, किसने किसको दिए, इंक की क्वालिटी पुअर है या उसका मैचिंग सिस्टम में कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है। अब ये एक मिसाल है, इस तरह की मिसालें आपको दर्जनों सैकड़ों मिलेंगी।